इस बात को दर्शाती है कि आप लोग वाकई असली कलाकार से प्यार करते हैं। और सबसे पहले मैं अखिलेश भैया से बोलूंगा, इजाजत चाहूंगा कि वो बुके देकर तिवारी जी अशोक तिवारी ऐसा ही होगा गोवर्धन नरेश अशोक तिवारी आज तो आप लोगों को देना चाहिए था, लेकिन नहीं धन्यवाद आप पूरे टीम को। मैं सत्या फिल्म प्रोडक्शन की संस्था से आग्रह करूंगा कि वो पुष्पेंद्र भैया को पुष्पेंद्र रूप से स्वागत करेंगे। यानी कि आप अंदर हो, ये हमारी मालकी ने दिया था। और मैं अखिलेश भैया से बोलूंगा कि वो अनिरुद्ध जी का स्वागत करेंगे। और मैं आग्रह करूंगा कि अरुण बंछोड़ जी का स्वागत करेंगे। और विनायक सर आप सुनो, मैं व्यक्तिगत रूप से निवेदन करूंगा रूप भी ऐसे जी कि हमारे निर्देशक बिल्कुल स्वागत करें। नारियल फोड़कर विनायक सर, अगर नारियल फोड़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। विनायक सर सलीम से फिल्म को मतलब क्या है भाई? सही है अरे अंदर आइए नमस्कार। छोड़ दे अपने चैनल पर हाथ, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे आप तो जाएंगे अखिलेश भैया और सत्या से आग्रह करूंगा कि थोड़ा सा चलिए बोल शंकर भगवान की जय। हमारे हाथियों के साथ पिता काट देगा कार्यक्रम समाप्त कर। जोरदार तालियां से स्वागत करेंगे फिर एक बार जोरदार तालियां। बोलो गणेश भगवान की। संगवारी हो, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो, आप मन देखा तो यूट्यूब चैनल जगह नाम है सीजी नरेश। संगवारी हो, आज लगे फिल्म असली कलाकार प्रभात टाकीजमा। तो संगवारी हो, फिल्म देखे के बाद में हमारे साथ में दर्शक मन जेखर मन ले गोड बात करबो और जानबो ये फिल्म के बारे में। दाई कैसे लगी फिल्म? अच्छा लगी, अच्छा लगी, अच्छा लगी। का अच्छा लगी? असली कलाकार, असली कलाकार। का देखल मिली से? अच्छा था मूवी, बहुत अच्छा था। आप सबसे विनती है कि सब आके देखिए और इंजॉय कीजिए। कैसे लगी इस फिल्म? बहुत अच्छा लगी से, गाना भी बहुत अच्छा रही से। कहानी का के अब चार अंधक बारे में बताया है ना, बहुत बढ़िया लगी से। का अच्छा लगी से? पूरा फिल्म ही अच्छा लगी से। पूरा फिल्म ही अच्छा लगा। हाँ, काटो पार्ट जिन हुई थे ना अच्छा लगी। वो मेरा जो अंदरमन गाना गाते ना वो अच्छा लगे, एकदम जोरदार लगा। दर्दीला जब हाँ, सुंदर लगी, बहुत सुंदर लगी से। ठीक, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत अच्छा लगा। एक सब पुराना ही
असलियत वो है ना, बहुत अच्छा लगी जो अंधा के बारे में मुझे बता। हाँ, वो अच्छा, बहुत अच्छा, वो बढ़िया से दर्शा। हाँ, बहुत अच्छा लगी। कहाँ लगा? चंगोरा भाटा से। चंगोरा भाटा कैसे जाने ये फिल्म को? अच्छा, पोस्टर टंगा रही सफर से आ रहा था देख। नहीं बोला। कैसे लगी फिल्म? बहुत अच्छा लगी से, यानी औ डबल देखे लाइक है पिक्चर है। कहाँ ले आप मंदिर? हमन हम मोआ ले आए। हाँ, मोआ हमें हीरो के काम भी बहुत अच्छे लगी से, हीरोइन भी अच्छे लगी से। हमें जो चार अंधा के रोल है ना, वो सबसे बेस्ट लगी से, यानी बहुत ही अच्छा लगी सावे। गाना मन भी बहुत अच्छा लगी सावे। मोला भी बहुत अच्छा लगी से, पिक्चर बहुत अच्छा है। डबल देख लगे। हाँ, देखते ना। बोला गुड़िया कैसे लगी? अच्छा लगा। अच्छा लगी। हाँ, अच्छा लगी। वही फिल्म अच्छा लगी थी। अच्छा लगी। हाँ, छत्तीसगढ़ी फिल्म है। अच्छी छत्तीसगढ़ी है फिल्म। आजकल अच्छा ही बनाए होके है, इसलिए देखे के भी रुचि अब बढ़ा थे। पहले से छत्तीसगढ़िया पिक्चर देखे के अब बहुत ज़्यादा ही भीड़ रहते ताकि मन हाँ अच्छा लगा था। इतने ही बनाया जाए तो ताकि माहौल और हमें छत्तीसगढ़ के नाम रोशन हो। सुंदर मोर छत्तीसगढ़ का सीरियल अच्छा लगे थोड़ा। सुंदर मोर छत्तीसगढ़ देखे रहे? हाँ, नहीं पहली बार देखे। पहली बार देखे। पिक्चर बहुत ही अच्छा बनाए हैं, जिसमें अपना जो छत्तीसगढ़ का जो कलाकार है, जो भीख मांगी जैसे भिखारी है, उसको पिक्चर के माध्यम से उभारा गया है, मतलब आगे बढ़ाने की कोशिश किया गया है। बहुत ही अच्छा पिक्चर बनाया है। हमारे छत्तीसगढ़ में जो ऐसे ऐसे कलाकार हैं जिसको गायक तो अच्छे गाते तो अच्छा है, लेकिन उन लोग लाइट पर नहीं आ पाते हैं। लेकिन मतलब पिक्चर देखिए नहीं रहा है, पूछे हाँ कोई देखे नहीं रहा है, कोई पूछिए नहीं रहा है। तो पिक्चर के माध्यम से बहुत ही वो ऐसे कलाकार मतलब आगे बढ़े के मौका मिलेगा। कैसे लगी? एक नंबर, बेहतरीन, जबरदस्त है। और डायलॉग वगैरह भी एक नंबर है। एमा पारिवारिक भी है, परिवार के भी इंसान देख सकते है ना। एक साथ साथ ये है कि जैसे कोई भी जीवन में जैसे कुछ करना है, आगे बढ़ना है ना, तो खाल एक ना ठान लेना चाहिए इंसान ला कि ये करना है, उस रास्ता में ही चलना चाहिए तो सफल हो जाते इंसान। जैसे हमारे जो चार जने जो भी अंधरा वाले एक्टिंग करे, इतना ज़बरदस्त है कि बहुत ज़बरदस्त है पारिवारिक। हाँ, चारों के एक्टिंग तो एकदम ज़बरदस्त है। अच्छा लगे एक हर जने जिन हमारे सर के है, जिन सोच है ना कि आगे चल के ये करना है। हमारे पूरा जितना भी है कि जैसे बोले जाए टीम के लेके चलना है ना, तो खर से पूरा समझबे तक कहे जाए कि अब बहुत सारा है सर। एक गाना तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, पारिवारिक भी है, तो परिवार के साथ समझ में आते। हाँ, कलाकार के मतलब समझ में आते। हाँ, समझ में आते सर। बहुत बढ़िया है फिल्म। हाँ, मैं धनेश्वर यादव हूँ, कंवर्धा सर से आया हूँ। जो हीरो है वो मोर कंवर्धा सर से ही है, और वही कलाकारी के वजह से मैं अतका दूर वो सर मन से मिल रहूँ करके आए हैं। हाँ, फिल्म बहुत बढ़िया है। सर कैसे लगी इस फिल्म आज? बहुत अच्छी फिल्म है। जो अंधे कलाकारों का जो अंधे कलाकारों का जो संदेश दिया है, वास्तव में अच्छे सही कलाकार वही लोग हैं जो देख सुन नहीं सकते फिर भी एहसास के द्वारा अपना काम करते हैं। बहुत अच्छी फिल्म है, देखने लायक फिल्म है। धन्यवाद। ओके, कैसी लगी फिल्म? जोरदार बनाया भैया। जोरदार का जोरदार है? इसमें सीखने को भी मिला है बहुत सारा। का चीज? अंधे को जैसे कहीं एक्सीडेंट हो रहा है तो उसको बचाना चाहिए। ये वीडियो के माध्यम से बनाया है, फोटो नहीं खींचना है उसमें। फोटो खींचने के बजाय उसको हाथ में पकड़ के कुछ वो करना है। तो ये फिल्म के माध्यम से दर्शाया तो कि हकीकत में आदमी ये चीज़ का कर सकते, कैसे कर सकते? करते लगते कहीं ऐसे? हाँ, हकीकत में करना चाहिए, करे तो नहीं, बहुत कम करते आदमी है। गाना कैसे लगी? गाना बहुत बेहतर लगी से, और जो माँ वाला गाना है वो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। कैसे लगी? ठीक लगी से हमारा पिक्चर। हमारा दोनों भाई भिलाई से आए हमन अमन हाँ देखे पर, ताकि पिक्चर बहुत दिन से देखे पर इंतजार ही समझ ला। और वास्तव में असली कलाकार कौन होते जेना आज दिखाई दे अपन के सामने में। और बहुत बढ़िया पिक्चर है, देखा हंसी के साथ देखा, कॉमेडी भी है, एक फैमिली पिक्चर, बहुत बढ़िया पिक्चर है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं तो देखा नहीं हूँ सर, एक्चुअल में थोड़ा सा लेट हो गया था, तो अभी टिकट बुक करा लिया हूँ तो जाने की तैयारी है। आप देखेगा फिल्म? हाँ भाई। कैसे लगे फिल्म? बहुत जोरदार पिक्चर है। का अच्छा लगी सर? ये मैं ये अच्छा लगी से कि कैसे एक अंधा मन अपन कला के जरिया से ये दुनिया में रह सकते है, वो सब चीज़ें। और बहुत अच्छा दर्शाया गया है
के छत जैसे भी कहीं भी एक्सीडेंट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसको वीडियो बनाने के बजाय हम अपना नागरिकता धर्म निभाए, उसको हॉस्पिटल पहुँचाए या एम्बुलेंस को फ़ोन करें। हाँ सर, आप माने फिल्म देखो कैसे लगी सर? बहुत बढ़िया लगी इस फिल्म। असली कलाकार के ऊपर कहानी है और जो रियल में वास्तव में जो असली कलाकार थे वो ये फिल्म में दिखाए गए हैं और सब लोग पसंद आई। आप मल्ला बिल्कुल देखे लाओ फिल्म में। अभी रायपुर के प्रभात टाकीज में लगे हैं। आप सब सन से सब दर्शक से अनुरोध है कि फिल्म देखे पर आओ, ज़्यादा से ज़्यादा अपन परिवार और फ्रेंड वेंड सब लोग लेके आओ। धन्यवाद सर। आप मन ये असली कलाकार फिल्म कैसे लगी सर? आप मल्ला क्या कहना चाहते हैं फिल्म के बारे में? देखिए अभी हाल में जो है अभी कुछ फिल्में मैंने देखी और उसको उसमें असली कलाकार को समाहित कर रहा हूँ। अब इससे ये लगता है कि जो है हमारे छत्तीसगढ़ में नए नए सब्जेक्ट पे काम कर हो रहा है, नए नए प्रयोग हो रहे हैं और नई नई चुनौतियों का लोग सामना कर रहे हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है नीरज श्रीवास्तव ने और नीरज श्रीवास्तव जो है छत्तीसगढ़ के हैं लेकिन मुंबई में उन्होंने काफ़ी समय गुजारा। वहाँ पे जो पृथ्वी थिएटर वगैरह में रह के उन्होंने ड्रामा भी किया तो उनके जो वो व्यापक अनुभव हैं वो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में अब आना शुरू हो गए हैं। इस फिल्म में वो बात दिखती है क्योंकि चार जो है नेत्रहीनों को लेकर फिल्म बनाना, ऐसे सब्जेक्ट को छूना बहुत जोखिम भरा काम है क्योंकि अभी एक ट्रेंड चला हुआ है प्यार का। प्यार मोहब्बत को अगर कहीं लेके फिल्म हम करें तो वो सफल होती है, लेकिन ये जो नेत्रहीनों वाला जो विषय है वो काफ़ी रिस्की था और इस प्रयोग में वो कहीं ना कहीं खरे उतरते नजर आए। और दूसरी बात क्या है कि ऐसी फिल्मों को फाइनेंस करने में भी आदमी 10 बार सोचता है, तो मैं तारीफ करूंगा, जी हाँ कमर्शियल, लेकिन मैं तारीफ करूंगा प्रोड्यूसर अखिलेश मिश्रा जी की कि जो उन्होंने ऐसी पिक्चरों को लेकर जो है अपना मन बनाया और अपनी इच्छा शक्ति दिखाई। जहाँ तक कि अब कलाकारों का काम है तो उसमें ये जो नेत्रहीन कलाकार हैं तो वो वास्तव में ऐसा लगता है कि वो ब्लाइंड है और हालांकि सब उनको दिखता है सब, लेकिन उन्होंने ना सजीव बनाने की पूरी कोशिश की। हीरो भुवनेश साहू, हीरोइन आस्था दयाल और जितने करेक्टर आर्टिस्ट हैं सब और हो, जैसे रंजीश झान जी हैं, विजेता मिश्रा भी हैं और अपना राजू पांडे भी हैं, बहुत सारे कलाकार हैं फिल्म में। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी ताकत लगाई और अच्छा करने की कोशिश की। और हमारे यहाँ के जो है संगीतकार सुनील सोनी और गायक, उनका संगीत नो डाउट अच्छा रहता ही, अभी उनका दौर ही चल रहा है तो उनके बारे में क्या कहना, तो उनका संगीत भी इस फिल्म में बहुत बेहतर है। हाँ, तो कुल मिला के मैं जो है ना दो पार्ट में बांटता हूँ। मैं इंटरवल से लेके एंड तक के फिल्म जो है कहीं ना कहीं दिल को छूती है और ये जो प्रयोग रहा चार नेत्रहीनों को लेकर फिल्म बनाने का वो सक्सेस रहा और सफल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके संगवारी हो, जय जोहार। संगवारी हो, ये फिल्म जैसे नाम है असली कलाकार, वाकई में फिल्म असली कलाकार के लिए बनाई गई है। हम तो ये दुनिया में ये देखते हैं कि आदमी आंखों से देखते हुए अंधा है, लेकिन वाकई में जो सच्चे दिल से जो देखे जाए सच्चा कलाकारी जो पहचानते हैं, जिले हम इंग्लिश में ब्लाइंड कहते हैं, हिंदी में अंधा, लेकिन वाकई में असली कलाकार जो सच्चे दिल से महसूस करने वाला है वो अंधा ही है। आज के दिन में हम ये नहीं बोल सकें कि आदमी अच्छा है, आदमी देखते हुए भी वो चीज़ नहीं समझ पाए, नहीं महसूस कर पाए, लेकिन वो चीज़ अंधा महसूस करते। ये फिल्म में ये चीज़ वाकई में बताया गया है। एक कोई आदमी अपन सर्वस लगा के कोई चीज़ करना चाहते लेकिन आदमी होकर सब चीज़ देखते हुए भी वो कोई सहयोग नहीं करे, लेकिन आज जिला वो अंधा, हालांकि ओकर स्थिति ल पूरा जानी से समझी से ओकर बाद ओकर लिए वह तन मन लगा दिस, लेकिन वो अंधा मन भी ओकर लिए अपन तन मन लगा दिस। हालांकि ये बात थोड़ा सस्पेंस रखेगी इस लास्ट हम बताइए, लेकिन फिल्म मैं तो ऑडियंस से यही बोलना चाहता हूँ, पब्लिक से, कि आए वो अपन मया दुलारे पिक्चर के लिए जरूर दे। आदमी जब तक नहीं देखी ये चीज़ ला तब तक नहीं समझ पाए। पिक्चर बहुत बढ़िया है, शिक्षा प्रदाय फिल्म, शिक्षा आप मन का पिक्चर तो बहुत अच्छा बने भैया। ये तो दिल से देखने वाला पिक्चर है रे, वाकई में ये पिक्चर जो है असली कलाकार, एक कलाकार के मतलब रूप में देखा जाए तो बहुत अच्छा पिक्चर बना हुआ है। जो चार अंधे का रोल जो किया है, सबसे बड़ा जो ढोलक स्टार और ये भाई जो सब है, बहुत अच्छा पिक्चर बना हुआ है। इसको मैं दर्शक को बोलूँगा कि आए एक बार ज़रूर देखें पिक्चर, ये दिल से जुड़ा हुआ पिक्चर है भैया, एक बार ज़रूर देखें। धन्यवाद। कि ऐसा पिक्चर बल्कि और आना चाहिए, तो ऐसा पिक्चर बल्कि और आना चाहिए किसी चीज़ को लेकर जो पब्लिक में मैसेज दे, ऐसा पिक्चर तो और आना ही चाहिए। कहाँ ले आए हो आप, मनाओ कैसे लगी से फिल्म देखी? नहीं, फिल्म तो बहुत बढ़िया लगी से, और मैं प्रॉपर मुंबई में रहता हूँ, मैं यहीं के रही हूँ, लेकिन हाँ छत्तीसगढ़िया हूँ, ठेठ छत्तीसगढ़िया हूँ, तो वहाँ प्रोडक्शन में मैं काम करता हूँ, तो मैसेज वगैरह फिल्म बनते नहीं से फिल्म चालू होने पहले दिखाते, वो में मैं काम करता हूँ, तो बहुत अच्छा लगी सब। जो असली कलाकार बोलते वो सही बात है, जो जेकर आँख वाँख के पैर के प्रॉब्लम है ओकर अंदर कलर ही थे, बोल देखा एक मैसेज करे, बहुत बढ़िया है। फिल्म मारधार वाला बंद थे, मनोरंजन वाला बंद थे, लेकिन ये जो हट के फिल्म है ये बहुत पब्लिक मैसेज वाला फिल्म है, मतलब बहुत अच्छा लगी। और छः महीने बाद में पिक्चर देखा था, बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा। अच्छा, ये फिल्म देखे बार आप मन यहाँ आए रहे हो कि ये कुछ काम से? नहीं, मैं कुछ काम से आ रहे हूँ, दवा खाना कुछ काम से आ रहे हूँ,
तो मैं देखें कि पोस्टर वगैरह लगे रही से तो मैं टिकट कैंसिल करें और देखें पिक्चर बहुत बहुत खुशी की बात है। ये छः महीने बाद मैं पिक्चर देखा था छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ी में लगाव है लेकिन रोजी रोटी कारण मैं वहाँ काम करता हूँ। बिल्कुल हाँ हाँ तो संगवारी हो ये थोड़ा सा असली कलाकार तो यही है रहा जिन्हें छत्तीसगढ़ी बोली भाखा बर और ये फिल्म ने सपोर्ट करे बर अपन टिकट ने कैंसिल करके फिल्म ने देख के जाही। तो भाई आप मतलब कैसे लगी फिल्म? सबसे पहले तो दर्शक दीर्घा मतलब जोहार छत्तीसगढ़ है। आज हमन सकला है अपन प्रभात टाकीज में। फिल्म ने देखे के बाद ऐसे लगी कि एक प्रकार के शिक्षा प्रद फिल्म है। पहली बार मैं ऐसे फिल्म देखे हूँ। मैं भी पाटन से आऊँ पहली बार आऊँ। मैं छत्तीसगढ़ी पिक्चर में देख चुके हूँ। ऐसे पहली बार पिक्चर देखा जिनमें शिक्षा प्रद हमला देखे बार मिली से जिनमें चार नेत्रहीन के बारे में हमला देखे बार मिली से। बहुत ही शानदार पिक्चर गाना मन भी बहुत गजब गजब सर आप बहुत अच्छा पिक्चर बना है। और पहला निर्देशन है बोले थे श्रीवास्तव जी की ओला बहुत सारा बधाई गाढ़ा गाढ़ा उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। क्या लगता है पिक्चर तो बेहतरीन है। गाना संगीत सब चीज़ बेहतरीन लगी से बहुत अच्छा है।